जी आज इंशाल्लाह ताला फर्स्ट डे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और किबला साहब भी आ चुके हैं इंशाल्लाह ताला, और कुछ देर में अब वो अंदर तशरीफ लेके जाएंगे आपको। जी आज वर्कशॉप का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है और किबला साहब मौजूद है, आइए देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। फर्स्ट डे माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा हमारा, और आपने देखा और ये बच्चों की तादाद भी देख ली आपने, और इंशाल्लाह कल सेकंड वर्कशॉप में वापस आपके साथ होंगे, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। The next day. जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा वर्कशॉप का दूसरा दिन है और मैं आज होटल में फिर आया हूँ इनको देखने के लिए कि ये रेडी हुए कि नहीं हुए, अभी देखते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, हम रेडी हो चुके हैं। ये आप ऑनर जा रहे हैं? वर्कशॉप पे जब हम जाते हैं ऑफिस पे, वहाँ पर देखते हैं किबला साहब आ चुके होंगे, नाज़रीन उनको देखते हैं। आज वर्कशॉप का दूसरा दिन शुरू हो चुका है दोस्तों। अच्छा पहले दिन में थोड़ा सा होता है मेरे लिए ये ज़रा कि बच्चों को मैनेज करना, उनको देखना, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं उनका ख्याल करना, और कुछ गेस्ट भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, फिर जिस तरह किबला हुज़ूर साहब कहते हैं उस तरह चलना, उसको लंगर को मैनेज करना कि कहाँ पर किसको क्या करना है क्या देना, तो थोड़ा सा मेरे लिए वो पहला फर्स्ट डे बहुत मुश्किल होता है। आज थोड़ा सा रिलैक्स भी हूँ लेकिन काम तो काम है। आज आपको मैं दिखाता हूँ, क्लास हो चुकी है शुरू इंशाल्लाह ताला, बच्चे बैठे हुए आई नेक्स्ट डे। आज थ्री डे वर्कशॉप किबला तस्लीम साहब के साथ आज वो इख्तिताम पज़ीर है, और माशाल्लाह आज बहुत से दोस्त आए हैं और बहुत से गेस्ट भी आए हैं माशाल्लाह, वो हम आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला, और बस आज जिस तरह अवार्ड मिलेंगे वो भी दिखाया जाएगा आपको, बस जहाँ तक मेरा आज का प्रोग्राम था इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट साल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर थ्री डे वर्कशॉप की मुलाकात होगी। ये ऑर्गेनाइजर इसके बाद है मोहम्मद अदनान अली चिश्ती, इसके बाद हैं मोहम्मद नवीद हुसैनी, भरपूर तरीके से तैयारी कीजिए इन भाइयों के लिए, खासतौर पर भरपूर तरीके से तैयारी कीजिए। हाँ बिल्कुल, भरपूर तरीके से आप तैयारी करते रहे, खासतौर ये पिछले बात की जो पूरी टीम है इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम किबला, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। किबला कैसा आपको रहा इसका ये प्रोग्राम हमारा थ्री डे वर्कशॉप, और दो साल कोविड की वजह से नहीं हो पाई तो बड़ी दोस्तों को कभी महसूस भी होगी इस हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, और उस लिहाज से हमने देखा है कि बड़ी ज़बरदस्त अटेंडेंस रही है इस दफ़ा, बल्कि सैलाब की वजह से बहुत से लोग आ नहीं सके, तकरीबन कोई 10 के करीब तादाद है जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद, हम लोग तो परेशान थे कि इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है लेकिन 10 के करीब रजिस्टर्ड बच्चे आ नहीं सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद बड़ी अच्छी तादाद है। इस दफ़ा हमने कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल तजर्बा करने के लिए कुछ 7-8 जो है ना 10 के करीब बच्चे जो है वो जूम पर ऑनलाइन भी लिए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल वो भी आने सके, वो पाकिस्तान में नहीं थे, जी हाँ पाकिस्तान गरीब हालात भी ऐसे से बाहर हैं, उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन शुरू किया था, वो लोग भी बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत बच्चे किबला मैंने तो एक एक बच्चे से मिला भी हूँ, बहुत खुश हूँ, और होटल में जगह भी कम पड़ गई थी इस दफा, तो बाकी होटल के जो मसाइल हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं, बड़े अच्छे अलहमदुल्ला
बच्चे जो है ना, बच्चों में शौक भी ज्यादा था जी, की ब्लेसिंग है। तो जितने भी बच्चे आए, बच्चियां, अल्लाह ताला एक सब को, जहाँ तक मेरी कोशिश हुई है मैंने सब बच्चों को मेंटेन किया है इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट ईयर्स इंशाल्लाह फिर से। ये तो बच्चे बताएंगे खुश हैं कि नहीं जी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? चला जी, किबला साहब, साहब के साहब तला तस्लीम माशाल्लाह हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह इनको कैसा लगा वर्कशॉप पे आना और स्पीच करना। माशाल्लाह इन्होंने स्पीच जो की है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत की है जी। तला भाई क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह सारे मेरे बड़े भाई, सारे मेरे दोस्त अहबाब सारी स्पीच कर रहे थे, बहुत अच्छी स्पीच, सबको मौका मिला सब आके स्पीच। आज आपने जो आज स्पीच की है वो तो कमाल ही कर दिया, यकीन करें। आपकी खिदमत हमने कर सकी तो उसके लिए हम आपसे मदद चाहते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारी वर्कशॉप का हिस्सा बने हैं, खुश रहें या बात हैं। थैंक यू सो मच यार भाई, आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हैं, तो आपका आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक मेरे को ज़हनी तौर पर एक फिक्र पैदा हुई कि उर्दू जो कि हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है उसको सीखना है, और उसको बहुत खूबसूरत से सीखना है, और उसको आगे मजीद बेहतरी से। आप किस शहर से? लाहौर से। मैं लाहौर से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंदर शरीफ से हैं सैयद मोहम्मद फयाज शाह साहब, और ये इनकी फर्स्ट वर्कशॉप है। हम इनसे पूछते हैं कि इनको इस फर्स्ट वर्कशॉप पे आना कैसा लगा जी शाह साहब? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फर्स्ट वर्कशॉप है जी। जी मैं दो साल पहले भी जाना चाह रहा था लेकिन किसी वजह से मैं नहीं आ सका, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस वर्कशॉप का हिस्सा बनूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह तीन दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। किबला हुज़ूर का आपको मिलना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, अपने तमाम कैंडिडेट्स के साथ, तमाम बच्चों के साथ ऐसे ही है कि जैसे एक उस्ताद का होता है, एक रूहानी उस्ताद है और रूहानी बाप है, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ हमें बताई है, समझाई है, और इंशाल्लाह ताला मेरी आगे ये ख्वाहिश है कि जब तक ये वर्कशॉप होती रहे इंशाल्लाह मैं हर वर्कशॉप का। शाह साहब आप थोड़ा सा बताएं इस वर्कशॉप के बारे में, फर्स्ट टाइम आए हैं तो कैसा लगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तस्लीम भाई को और सब दोस्तों को, तस्लीमात की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो नकाबत है हमें बड़ी खुशी है कि नकाबत जो है इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाना शुरू किया है तस्लीम भाई ने। अल्लाह इनको इस प्रोग्राम को और आगे लेके जाने की हिम्मत अता फरमाए, और जिस तरह ये एक चिराग की मानंद दूसरे लोगों को भी रोशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें भी उनकी मदद करे, और इनका हम अल्लाह से बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे, हुमायूं कादरी सोशल ऑफिशियल पेज है मेरा, हुमायूं कादरी ऑफिशियल पेज पे आप मुझे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।